Dear student, in last lecture we talked about the virtual community and now we are going to compare organic and virtual community. Uh, according to Van Deject, virtual communities are communities which are not tied to a particular place or time but which still have common interest in socio cultural and mental reality ranging from general to special interests or activities. तो वैंडजिक के मुताबिक जो वर्चुअल कम्युनिटीज होती हैं वो टाइम एंड स्पेस की बाउंडिंग नहीं होती उनमें और वो कॉमन इंटरेस्ट सर्व कर रही होती हैं अक्रॉस सोशल ग्रुप्स जिसमें आपके जर्नल्स इंटरेस्ट भी हो सकते हैं और पर्टिकुलर इंटरेस्ट भी हो सकते हैं जैसे कि कोई कम्युनिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी यूनिवर्सिटी के रुमानाई की हो सकती है तो वो एक जनरल कम्युनिटी हो सकती है और कोई इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज़ हो सकती हैं कि जैसे आ, कोई पेट्स के ऊपर किसी ने कोई एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई हुई हो तो वो भी एक तरह की वर्चुअल कम्युनिटी ही होगी ही लिस्टेड एक्चुअली फोर करेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑल कम्युनिटीज़ मेंबरशिप सोशल ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज एंड पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन एंड कल्चर एंड कॉमन आइडेंटिटी तो इनके मुताबिक जो है आपकी फ़िज़िकल कम्युनिटीज हों हो 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 जिनको ये ऑर्गेनिक कम्युनिटी कहते हैं और बेशक वो वर्चुअल कम्युनिटीज हों तो ये चार करेक्टरस्टिक्स होंगी जिसकी बेसिस पे हम जो फ़िज़िकल कम्युनिटीज को एज़ ऑर्गेनिक कम्युनिटी और वर्चुअल कम्युनिटी को कंपेयर कर सकते हैं अगर हम ऑर्गेनिक और, और वर्चुअल कम्युनिटी को कंपेयर करें बेस्ड ऑन द फोर करैक्टरिस्टिक जो जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है जिसको मेंबरशिप कहते हैं और मेंबरशिप की बेस पर अगर हम कंपोजिशन और एक्टिविटी देखें तो जो ऑर्गेनिक कम्युनिटीज हैं जो फिज़िकल कम्युनिटीज होती हैं उसमें ग्रुप जो होता है वो बड़ा टाइट ग्रुप होता है यानी एज उसमें एक स्पेसिफिक एज के बेसिस पर ग्रुप्स बनते हैं और उसमें सेवरल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रुप परफॉर्म कर रहा होता है मगर वर्चुअल जो कम्युनिटी होती है उसमें लूज अफिलिएशन होती है यानी उसमें डिफरेंट ऐज ग्रुप्स के लोग भी हो सकते हैं और डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड के लोग भी हो सकते हैं पर वो एक्टिविटीज़ जो होंगे वो एक स्पेशल सेट ऑफ़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होंगे वर्चुअल कम्युनिटीज एक्चुअली बनती हैं इंटरेस्ट की बेसिस पे और वो इंटरेस्ट किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है और अगर हम बात करें सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तो जो ऑर्गेनिक कम्युनिटीज़ होती हैं वो टाइड टू प्लेस एंड टाइम होती हैं और इसके बरक्स जो हमारी वर्चुअल कम्युनिटीज़ होती हैं वो नॉट टाइट टू प्लेस एंड टाइम होती हैं यानी आप कम्युनिटी मीटिंग ज़रूरी नहीं होती एज इट इज़ जैसे कि फिज़िकल लाइफ में होती है ऑर्गेनिक कम्युनिटी में आप किसी भी टाइम ऑनलाइन जाके अपना जो है फीडबैक और अपनी एक्सप्रेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं और जो लैंग्वेज एंड इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिक कम्युनिटीज में वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है और वर्चुअल uh, में वर्बल के साथ पैरा होता है पैरा लैंग्वेज जैसे इमोजीज uh, की एक लैंग्वेज है तो आप सर्टेन टाइम अपनी इमोशंस को रिएक्ट करने के लिए इमोजीज के थ्रू अपनी फीलिंग्स रिफ्लेक्ट uh, कर रहे होते हैं और जो क, जब हम कल्चर एंड आइडेंटिटी की बात करें जो ये जो ऑर्गेनिक कम्युनिटीज़ होती हैं ये होमोजेनस इन नेचर होती हैं और सिंगल होती हैं जबकि वर्चुअल कम्युनिटीज़ हाइट्रोजेनस होती हैं यानी डिफरेंट सोशो कल्चरल बैकग्राउंड के लोग उसके मेंबर बन सकते हैं और डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग उसके मेंबर बन सकते हैं और वो जो है आप अक्रॉस द कंट्रीज़ भी उसमें मेंबर्स हो सकते हैं आपके वर्चुअल कम्युनिटी में तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं फिजिकल जिसको वैंडजिक ऑर्गेनिक कम्युनिटी कहता है और वर्चुअल कम्युनिटी में